नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ धनु राशि का मासिक राशिफल नवंबर 2019 को लेकर के क्या विशेष रहने वाला है धनु राशि के जातकों का इस नवंबर के माह में, कैसी आपकी आय रहने वाली है, कार्य क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और स्वास्थ्य पर आपका क्या प्रभाव होगा इस नवंबर के माह में, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि नवंबर के माह में कौन सी वह शुभ तिथियां होंगी जो धनु राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभप्रद रह सकती हैं, और कौन सी वह तिथियां होंगी जिनमें आपको सतर्कता से व सावधानी पूर्वक अपने कार्य करने चाहिए और सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं यह बता दूं कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़े। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 9 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी धनु राशि बनती है और यह राशि फल आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले एक दृष्टि डालेंगे धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था पर। इस नवंबर के माह में कैसे रहने वाली है धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था। तो धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपके लिए द्वादश स्थान अर्थात व्यय भाव में वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, तो वहीं सूर्य बुध तुला राशि में आय स्थान पर रहेंगे। मंगल कार्य क्षेत्र में कन्या राशि के स्थित हैं, तो राहु आपके लिए सप्तम स्थान मिथुन राशि के उपस्थित हैं। शनि और केतु की युति आपकी ही राशि में लग्नस्थ बनी हुई है, चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अर्थात जो आपके राशि स्वामी हैं वह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जो कि अभी तक वृश्चिक राशि में स्थित व्यय स्थान में थे वह अब अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और मंगल जो अभी तक कार्य क्षेत्र में स्थित थे वह 10 नवंबर के बाद आय स्थान अर्थात तुला राशि में 11वें भाव में सूर्य और बुध के साथ युति बनाने वाले हैं। वहीं 16 नवंबर को सूर्य अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और सूर्य जो अभी तक तुला राशि आय स्थान में अपने नीच राशि में थे वह अब व्यय स्थान में चले जाएंगे, अर्थात वृश्चिक राशि में आपके लिए द्वादश स्थान में चले जाएंगे। वहीं 21 तारीख को शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शुक्र भी वृश्चिक राशि को छोड़ करके लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति शनि और केतु के साथ धनु राशि में युति बनाने वाले हैं। तो यह तो आपकी नवंबर माह की ग्रह गोचर व्यवस्था है। अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर व्यवस्था के बीच सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के ऊपर बात। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधित अड़चन आने वाली नहीं है, जो कि आपके लिए एक शुभ समाचार रहने वाला है। लेकिन जब सूर्य अपने राशि परिवर्तन करेंगे अर्थात 16 तारीख के बाद सूर्य द्वादश स्थान में होंगे तो तब आपको थोड़ी बहुत सरदर्द की दिक्कतें और आंखों में जलन आपको देखने को मिल सकती है। वहीं राहु का सप्तम स्थान में होना जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के संकेत दिखाई देते हैं। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र में 10 तारीख तक मंगल वहां पर स्थित है, अर्थात 10 तारीख तक विशेष ऊर्जा आपके लिए कार्य क्षेत्र में बनी रहेगी और जो जातक विशेषतर सेना इत्यादि में जाने के इच्छुक है उनके लिए नवंबर के 10 दिन हम ये कह सकते हैं नवंबर के 10 दिन बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे और यहाँ उनके सपने साकार होने के पूर्णतः योग बने हुए हैं। लेकिन जब मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत
दिक्कतें हो सकते हैं। व्यावसायिक रूप से भी राहु सप्तम स्थान में है और सप्तम स्थान विवाह के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र का भी होता है, तो व्यवसाय में भी थोड़ी बहुत अड़चने देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ मिश्रित फल होंगे। आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जब 5 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति स्वयं के राशि में आएंगे, अर्थात अपनी ही राशि में धनुराशि में आएंगे, तो यहाँ स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगे। कुछ कार्य जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं वह पूर्ण होंगे और कई नए और उच्च लोगों से, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके, अर्थात धनुराशि के जातकों का उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनने वाले हैं। हालांकि शनि केतु के साथ देवगुरु बृहस्पति एक चांडाल योग भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि हो जाती है, तो यहाँ कई तरह से आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। आय की बात करें तो आय के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र व्यय स्थान में है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यहाँ आपकी आय होगी लेकिन व्यय इतना नहीं होगा, क्योंकि मात्र शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनको व्यय का अधिक दोष नहीं लगता है। तो शुक्र की स्थिति द्वादश स्थान में, उसके बाद लग्न स्थान में, तो आय आपकी एक अच्छी स्थिति में रहने वाली है इस नवंबर के माह में। यदि आपका किसी भी प्रकार से धन कहीं फंसा हुआ है तो वह भी इस नवंबर के माह में उसके निकलने के भी पूर्णतः चांस हैं, वह भी आपको प्राप्त होगा और धन के मामले में अर्थात वित्तीय व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है इस नवंबर के माह में। अब बात करें चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता देखी गई है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत क्रूरता आ जाती है। और इसीलिए हम सबके जीवन में 1 माह के भीतर 6 से 8 दिवस ऐसे होते हैं जब हमें मानसिक पीड़ा, अज्ञात भय, आलस की प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक होना, घर में क्लेश इत्यादि का वातावरण बन जाना, इन सभी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो वहीं तिथियां मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता रहा हूं शुभ तिथियां। तो 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14 और 20 नवंबर धनुराशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी तिथियां हैं। इन तिथियों में आप किसी भी प्रकार का नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी रुका हुआ कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो वहीं तारीखें 1, 5, 15, 16, 18, 26 और 27 नवंबर आपको अपने हर एक कार्य में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए, उनमें से भी आप 15 और 16 को विशेष तौर पर सावधान रहें तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।